नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS एम में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपको हमारे चैनल पे सभी ईयर्स के BMS के लेक्चर्स मिल जाते हैं वो भी सभी के सब्जेक्ट वाइज फिर आपको नोट्स और बुक्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल से हम प्रोवाइड करवा देते हैं अब बात करें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पैटर्न ए आई जी पी टी लेक्चर्स और कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो चलिए फिर हम आज की अपनी वीडियो करेंगे आयुष कामिया अध्याय के बारे में तो आयुष कामया अध्याय के बारे में बात करें तो ये दो शब्दों का मेल है आयु काम्य अर्थात जो लंबी आयु की कामना करते हैं इस अध्याय में हम किस बारे में पढ़ेंगे कि जो लंबी आयु की कामना करते हैं अब लंबी आयु की कामना करते हैं जिनको लंबी आयु चाहिए उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अर्थात किन किन चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए तो ये सारी बातें हम आयुष काम्या अध्याय में पढ़ेंगे अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आयु की परिभाषा के बारे में तो आयु की परिभाषा के बारे में बात करें तो वो होती है धर्म अर्थ सुख का साधन क्या है आयु सबसे पहले बताने की चीज़ है भाई कि जब आयु होगी तभी हम क्या कर पाएंगे धर्म कर पाएंगे अर्थ कमा पाएंगे अर्थ का अर्थ क्या है यहाँ पे धन ठीक है और सुख साधनों का भोग विलास कर पाएंगे तो सबसे पहले क्या जरूरी है आयु जरूरी है अगर हमारे पास आयु है तो हम सृष्टि की सभी जो ये सभी भौतिक वस्तु, वस्तु है इनका क्या करेंगे भोग विलास कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई आयुर्वेद के अवतरण के बारे में तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ अर्थात आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है उसको जानने की कोशिश करते हैं और ये जो आयुर्वेद का ज्ञान जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में अब ये फैला हुआ है ये कैसे हमें प्राप्त हुआ सबसे पहले किन्हीं प्राप्त हुआ था फिर किन्ों ने किसे दिया तो ये सारी चीज़ें हम इस आयुर्वेद के अवतरण में पढ़ते हैं कि आयुर्वेद आया कहाँ से है एग्जैक्टली ठीक है तो आयुर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी ने ज्ञान किन्हें दिया था दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान दिया था दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया था अश्वनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया था और इंद्र ने ये ज्ञान पूर्णवश आत्रेय को दिया था तो अब बात हुई कि जो ये आयुर्वेद का ज्ञान है वो उसका अवतरण कैसे हुआ तो इसको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा कि ये आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ तो, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर आप बी डी चौरसिया पढ़ेंगे तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एडमिशन ले लेंगे यहाँ पे कहने का हमारा अर्थ क्या है कि बी से आपको लर्न हो जाएगा ब्रह्मा ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं डी से आपको लर्न हो जाएगा दक्ष प्रजापति और फिर ए से आपको लर्न हो जाएगा अश्वनी कुमार और आई से इंद्र और ए से फिर आत्र ठीक है तो ये आपको लर्न हो जाएगा अगर आप बी डी चौरसिया पढ़ते हो तो आपका जो ए आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो ए आई जी पी टी का एंट्रेंस होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कैनिक अर्थ ये है तो आप इसको लर्न कर सकते हो बहुत ईजीली इस ट्रिक के माध्यम से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई जो अष्टांग हृदय है उसका प्रयोजन क्या है वो क्यों बनाई गई उसका एक्चुअली मेन सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है तो अष्टांग हृदय के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वो क्यों बनाई गई क्योंकि क्या हुआ था कि जो आयुर्वेद था वो काफ़ी खंडों में बटा हुआ था हमें पूर्ण आयुर्वेद की जानकारी नहीं मिल रही थी तो क्या हुआ कि जो सारा सार था ना वो कहीं कहीं पे था जैसे कि लेट सपोज अगर हम बात करें जो आपका सिलेबस है उसको हम चार पांच बुक्स में डिवाइड कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि कितना पोर्शन मुझे उस बुक में से पढ़ना है इतना पोर्शन मुझे उस बुक में मिल रहा है या आपको क्या करे कि जो आपका सिलेबस है लेट सपोज आपको आयुर्वेद के लिए महेंद्र सिंह आप कैरी करते हो तो अगर देखें कि जो महेंद्र सिंह है वो उसमें पूरा सिलेबस है तो आपको वो दे दे तो आप क्या करोगे आप बोलोगे कि कि ये बेनिफिशियल है और हमें एक ही जगह से ज्ञान मिल रहा है तो एक ही जगह से सारा संपूर्ण जो सार था उसको पुराने के लिए हमने क्या किया अष्टांग हृदय को बना दिया ताकि हमें वहाँ पे ज्ञान मिल जाए सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए ठीक है तो ये बात हो गई हमारी अष्टांग हृदय बनाने के प्रयोजन को लेकर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है हमारा आयुर्वेद के आठ अंग अब बात करते हैं आयुर्वेद के आठ अंगों के बारे में तो बात करते हैं आयुर्वेद के आठ अंग कौन कौन से होते हैं बात करते हैं काय चिकित्सा बाल चिकित्सा ग्रह चिकित्सा उद्वार चिकित्सा शल्य चिकित्सा दृष्ट चिकित्सा जरा चिकित्सा दृष्टि चिकित्सा अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले काय चिकित्सा के बारे में जो आयुर्वेद है ना हमारा उसको हमने आठ अंगों में विभाजित कर दिया है आठ अंगों में इसलिए किया है देखिए जब आप देखते हैं कि संपूर्ण शरीर का अध्ययन करना लेट्स सपोज कि Uh, जो ये ई की डॉक्टर है वो सारे काम नहीं कर सकता एक डॉक्टर वो सर्जरी भी कर दे वो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हो जाए वो कार्डियोलॉजिस्ट भी बन जाए तो एक डॉक्टर नहीं होता उसके लिए हमने अलग अलग ब्रांचेस डिवाइड किया है ऐसे ही जो संपूर्ण आयुर्वेद है उसको हमने आठ अंगों में विभाजित कर दिया आठ अंगों में इसलिए विभाजित किया है लेट सपोज कि भाई हमें जो है वो ई का रोग है ठीक है मान के चलो आपको जो डिजीज है वो ई ए की है तो अगर आप ई का जो आपने जो चिकित्सा पढ़ी है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो ठीक है आपको पूरा आयुर्वेद खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कहाँ पे उसकी चिकित्सा दी गई है तो ये चीज़ें आपको रिलेट करवाने के लिए ही आयुर्वेद को आठ अंगों में विभाजित किया गया है तो मेन बात यहाँ पर यह है कि हमें याद होना चाहिए कि भाई आयुर्वेद को किन किन अंगों में डिवाइड किया गया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काय है चिकित्सा की जो जनरल फिजिशियन होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल चिकित्सा की जो पीडियालॉजिस्ट होते हैं जो बालक की व्याधि वगैरह देखते हैं फिर हम बात करते हैं गृह चिकित्सा की जिसमें भूत विद्या आदि की चिकित्सा की जाती है देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण आदि ये सब किया जाता है फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उदर्वांग चिकित्सा की ये क्या होती है ई क्या होती है ये ई ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शल्य चिकित्सा की शल्य चिकित्सा में हम क्या पढ़ते हैं सर्जरी नेक्स्ट हम बात करते हैं दृष्टा चिकित्सा की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी फॉरेंसिक मेडिसिन तो ये क्या होता है कि भाई इसमें क्या पढ़ते हैं हम विष के बारे में पढ़ते हैं कि बिच्छू के काटने के चिकित्सा ये सारी चिकित्सा का हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा चिकित्सा के बारे में जरा चिकित्सा किस लिए होती है ये क्या होती है ये एक हम क्या करते हैं कि जो जो क्या होता है की जो एज के अनुसार जो व्याधि होती है जैसे जो बुढ़ापे के जो रोग होते हैं उनके लिए क्या की जाती है जरा चिकित्सा जैसे जैसे होता नहीं है कि पहले की के जवान रखा जाए उसको तो ये सारी चिकित्साएं जरा और वृक्ष के अंदर आते हैं जैसे कि रसायन और वाजीकरण इसका अध्ययन भी हम चरक संहिता के थर्ड ईयर में करते हैं काय चिकित्सा का अध्ययन हम फाइनल ईयर में करते हैं बाल चिकित्सा का अध्ययन हम थर्ड ईयर में करते हैं उद्वांग चिकित्सा हम फाइनल में करते हैं शल्य चिकित्सा की स्टडी हम फाइनल ईयर में करते हैं दृष्टा चिकित्सा हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं अगत तंत्र के माध्यम से जिसे अगध भी बोला जाता है अगत तंत्र ठीक है अब हम बात कर लेते हैं त्रिदोषों के बारे में कि भाई त्रिदोष त्रि से ही आपको समझ आ रहा होगा कि दोष जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं वात पित्त कफ ठीक है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इन दोषों के स्थान के बारे में हम बात करते हैं कि भाई ये दोष जो है वो रहते कहाँ पर और फिर कार्य क्या करते हैं हमें ये दो चीज़ें ना बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए इनके बारे में क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हमें ये चीज़ें लर्न होगी यह चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज्यादा बेस्ट होगी ठीक है तो इनके बारे में बात करते हैं कि त्रिदोष वाद क्या होता है वाद से आप क्या समझते हैं वाद का मतलब होता है वायु ठीक है तो जितनी भी शरीर में जो भी गतियाँ होती है वो किस कारण होती है वो वाद के कारण होती है ठीक है तो जितने भी शरीर में जैसे कि सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो ये सब क्या हो रहा है वात के कारण हो रहा है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पित्त के बारे में तो पित्त को आप किससे रिलेट कर सकते हैं अग्नि से तो जो जो उष्मा के कार्य हो रहे हैं जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है डाइजेशंस क्रियाएं हो रही है वो सारी किसकी वजह से हो रही है पित्त की वजह से हो रही है अब हम कफ के बारे में बात कर लेते हैं तो शरीर को कफ क्या करता है बांध के रखता है शरीर में चिकनाहट उत्पन्न होती है तो ये सारे कार्य किसकी वजह से होते हैं कफ की वजह से होते हैं तो ये तीनों दोष वातपित कफ जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो ये क्या करते हैं शरीर को धारण करते हैं मतलब शरीर के अंदर रहते हैं अच्छे से रहते हैं पोषण करते हैं शरीर का धातु धातुएं बनी रहती है ठीक है तो सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं लेकिन अगर ये विकृत अवस्था में आ जाए मतलब ऊपर नीचे हो जाए देखिए जब एक चीज़ मेंटेन लेवल पर चलती है ना तो बहुत सही रहती है या उस जब उस चीज़ की अति या अयोग हो जाता है ना तो ही हमें दुख होता है तो यहाँ पे दोषों का भी यही रिलेशन है जब दोष अपने बिल्कुल प्राकृत अवस्था में रहते हैं सम अवस्था में रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन अगर हम बात करें कि दोष ऊपर या नीचे हो जाते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं व्याधि क्रिएट करते हैं तो ये बात हो गई हमारे दोषों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं इन दोषों का स्थान भैया जब हमारे शरीर में रहते हैं तो ये कहाँ रहते हैं ठीक है पर लेकिन देखा जाए तो ये जो दोष होते हैं वो हमारे संपूर्ण शरीर में रहते हैं लेकिन फिर भी हमने जो इनके स्थान है वो व्याप्त कर दिए है देखिए आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है ये क्या है नाभि है और ये क्या है जो है हृदय है नाभि से नीचे क्या है वात बीच में क्या है पित्त और ऊपर क्या है कफ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बस सौ सिंपल है बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं तो बात करते समस्त शरीर में ये तीनों व्याप्त कहाँ पे रहते हैं वात के स्थान पे नाभि के नीचे पित्त रहता है मतलब नाभि और हृदय के मध्य में क्या रहता है पित्त रहता है और नाभि के नीचे क्या रहता है वात रहता है और हृदय से ऊपर क्या माना गया है कफ का स्थान माना गया है तो ये बात हो गई हमारे दोषों के बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम हाँ तो दोषों के बारे में बात करते हैं कि भाई कौन कौन से दोष किस अवस्था में प्रकूपित होते हैं जैसे कि देखा जाए जो कफ होता है वो दोष कब होता है बाल्यावस्था में होता है आपने कभी भी देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को मेनली जो डिजीज़ होती है वो सारी कफ वाली होती है उसको जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है ठीक है उसको फीवर होता है जल्दी जल्दी उसको जुकाम होता है उसको आइज एलर्जी हो जाती है ठीक है और आपने देखा होगा कि पहले बच्चा जब नौ महीने तक रहता है तो वो सिर्फ सोता है फिर आने के बाद भी बच्चा आ, सोता ज़्यादा है तो उसके अंदर मेनली क्या होता है कि कफ ज़्यादा होता है कफ जो होता है वो प्रकोपित होता है बाल्यावस्था में हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कफ प्रकोपित होता है देन उसके बारे में बात करें उसके बाद कौन सी अवस्था आती है हमारी युवावस्था आती है तो आपने देखा होगा जो टीन में होती है मेनली हमें पिंपल्स होते हैं ज़्यादातर टीन को मेनली पिम्पल्स की प्रॉब्लम होती है वो मतलब जो उन्हें चटपटा जाता खाते हैं वो लोग ठीक है तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल चेंज चेंजेस आते हैं ठीक है तो ये सारे जब चेंजेस होते हैं तो ये मेनली जो है वो टीन एज के अंदर होता है तब क्या होता है कि पित्त प्रकोपित होता है इसलिए उसका जो रीज़न माना गया है वो पित्त माना गया है ये चीज़ें मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप इसको भूलें ना आप इसका एक कंसेप्ट लगा दें कि हाँ भाई अच्छा ये चीज़ होती है ओके तो हम समझ गए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में आपने देखा हो कि इंसान कितना ही मतलब जो हो पर लेकिन उसके अंदर ना क्रिश्ता आती रहती है अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन शीन होने लग जाते हैं आपने सुना होगा सिक्सटी ईयर एर के ईयर्स के बाद जो हमारी किडनी होती है उसका भी थोड़ा सा वर्क कम हो जाता है ठीक है जो ठीक है तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि भाई जो बात है वो कब प्रकूपित होता है फ्रिद अवस्था में परकुपित होता है अब हम बात कर लेते हैं ये तो हमने बात कर ली कि अवस्थाओं की अवस्था कि कौन सा दोष कौन सी अवस्था में प्रकूपित होता है अब हम बात कर लेते हैं कि दिन के दिन में कौन सा दोष ज़्यादातर प्रकूपित होता है तो ये मैंने आपको रिलेट करना सिखा दिया ठीक है तो सेकेंड को भी हम रिलेट करके ही देखते हैं जो कफ होता है वो दिन के प्रारंभ में प्रकूपित होता है आपने देखा होगा कि मेनली क्या होती है कि सुबह सुबह होती है और काफ़ी सारे लोग नहीं उठ पाते ठीक है बहुत लेजीनेस से होती है आलस से आता है सुबह जब हम उठते भी हैं तो थोड़े से लेजी से होते हैं आँखों में नींद भरी हुई होती है ठीक है तो वो क्या होता है वो कफ प्रकोपित होता है उस टाइम पे अब बात करें दोपहर के बारे में बात करें जैसे कि दिन के मध्य में लगा लो आप तो क्या होता है कि हम खाना वाना अच्छे से खाते हैं बिल्कुल यूँ गर्मी बनी रहती है शरीर में ठीक है तो बिल्कुल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मेनली अगर देखा जाए तो वो दिन में ही रहती है हमारी तो क्या होता है कि भाई दिन के मध्य में क्या होता है पित्त प्रकुपित तो होता है अगर देखें वात के बारे में तो रात को क्या होती है वात के गुण अगर आप देखें शीतलता होती है वात में ठीक है तो दिन के अंत में हमें सर्दी भी लगती है ठीक है तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं ठीक है ये चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है पर आप अगर इस चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो आप रिलेट करके अगर आप लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा अब हम बात कर लेते हैं कफ के बारे में तो रात्रि में कैसे कैसे होता है जब रात्रि की शुरुआत होती है तो कफ प्रकोपित होता है मध्य में रात्रि में क्या हो जाता है पित्तुपित हो जाता है और अंत में क्या होता है वात होता है तो आपने अगर देखा हो सभी सीक्वेंस में सबसे लास्ट में ही वात आ रहा है सबसे जो प्रायरिटी दी गई है वो कफ को दी गई है नेक्स्ट पित्त को फिर वात को ठीक है ऐसे इनका स्थान है ऊपर कफ बीच में पित्त नीचे वात तो बात को हमेशा आपको थर्ड स्टेज पे रखना है जैसे कि आप अवस्था के बारे में बात करोगे शुरू से उसकी कंटिन्यूटी शुरू कर दो बाल अवस्था कफ युवावस्था पित्त तो ऐसे आपको लर्न होना चाहिए दिन के शुरू में कफ ठीक है आपको उसके सोचने की जरूरत नहीं है आपको स्टार्टिंग में क्या हो रहा है भाई कफ आ रहा है ठीक है तो फर्स्ट क्या है कफ है सेकेंड क्या है पित्त है थर्ड क्या है वात है ठीक है तो ये चीज़ होगी अब भोजन के तुरंत बाद ये भी फर्स्ट है कफ पर कुपित होगा फिर पित, पित में क्या होगा, हो हो होगा? होगा।, तो होगा? होगा। दोषों का अग्नि से क्या संबंध होता है भाई देखिए जो दोष लेट सपोज आपने सुना होगा प्राकृति के बारे में कि सभी लोगों की ना प्राकृति अलग अलग होती है कोई वातज होता है कोई पितज होता है कोई कफज होता है या कोई तीनों से बना हुआ होता है या कोई वात पित का मेल होता है सम होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक अलग अलग होती है ऐसी बात करें तो अग्नि भी अलग अलग होती है जिस प्रकार का इंसान होता है लेट सपोज कि किसी की प्राकृति जो है वो वात है या किसी के शरीर के अंदर वात की वृद्धि हो गई है तो उसकी अग्नि कैसी होगी विषम होगी यहाँ पे विषम कहने का अर्थ क्या है कि विषम कैसे होगी कि वो ऊपर नीचे होती रहेगी कभी तो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी और कभी उसे बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी तो उस उस इंसान की जो अग्नि होती है वो कैसी होती है ऊपर नीचे अर्थात यहाँ पे क्या कह सकते हैं विषम होती है कभी वृद्ध तो कभी मंद अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पित्त वृद्धि में क्या होगा अग्नि कैसी होगी पित्त में अगर पित्त की वृद्धि है शरीर में या पितज प्राकृति है तो अग्नि कैसी होगी बिल्कुल तीक्षण होगी ठीक है सदैव कैसी रहेगी वृद्धि रहेगी कफ में कैसी होती है मंद अग्नि होती है कफ वालों की हमेशा मंदअग्नि होती है और जिनके त्रिदोष अगर उसके शरीर में जो त्रिदोष है वो बिल्कुल समावस्था में तो उसकी अग्नि कैसी होगी बिल्कुल समोगे ठीक है तो ये बात हो गई हमारी अग्नियों की नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कोष्ट को क्या होता है कोष से आ, क्या संबंध होता है जैसे कि जो वात वृद्धि जिसके अंदर वात प्रकोपित होते हैं वातज प्राकृतिक होते हैं उनका कोष्ट कैसा होता है क्रूर होता है कोष्ट का अर्थ क्या है विरेचन करने में उन्हें कठिनता होती है अर्थात ठीक है अब पित्त वालों की बात करें तो उनका जो कोष्ट होता है वो मृदु होता है उनको बहुत जल्दी अतिशीघ्र विरेचन हो जाता है कफ वृद्धि वालों की बात करें तो उनका जो कोष्ट होता है वो कैसा होता है सामान्य होता है अर्थात त्रिदोष के बारे में बात करें तो त्रिदोष वालों का कैसा होता है मध्यम होता है तो हमेशा बात करें जिनके त्रिदोष समावस्था में होंगे जिनका शरीर बिल्कुल सम प्राकृति से बना होगा उसका हो कैसा होगा मध्यम होगी उसमें हर चीज़ें क्या होगी हमेशा मध्यम होगी अब बात कर लेते हैं प्राकृति के बारे में अभी मैं आपको बता रही थी ना कि तीन प्राकृति होती है मतलब तीन दोष होते हैं उन्हीं से हमारी प्राकृति बनी होती है तो क्या होता है कि जब हमारा शुक्र यहाँ पे देखिए कुछ चीजें होगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी कि जन्म के समय क्या होता है जो शुक्र होता है शुक्र कहने का अर्थ क्या है इसम से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं और आर्तव का मतलब क्या ओवम ठीक है तो शुक्र मतलब जन्म के समय में क्या होगा जब शुक्र और आर्तव का जब मील होगा तो वातपित कफ से क्या होगा उसमें ना जो जिस दोष की प्रधानता होगी उस टाइम पे तो उसी के अनुसार क्या होती है प्रकृति बनती है और उन उसी के अनुसार कौन कौन सी प्रकृति बनती है उसके अनुसार बनती है द्विंदज प्राकृति बनती है वातज पितज कफ ये तीन प्राकृति मतलब वैसे तो सात प्राकृति बनती है लेकिन दोषों के अनुसार ही प्राकृति बनती है और ये प्राकृति क्या होती है जो व्यक्ति जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति वात प्राकृति वाला तो वात उसे हानि नहीं पहुंचाता है ठीक है किसी की पित्त से प्राकृति है तो वो भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकते वो उसकी प्राकृति है ठीक है लेकिन जो दोष है वो उसे सम रखने ही पड़ेंगे अपने शरीर में मान रहे हो आप बात तो यहाँ पे आपको ये चीज रिलेट करनी है अब जैसे कि वात जो जो सी वात बनी हुई है उसको सबसे ज्यादा हीन माना जाता है पित्तज को मध्यम माना जाता है कफज को उत्तम माना जाता है अब हम बात करें द्वंद्व प्राकृतिक की वो कैसी मानी जाती है निंदित मानी जाती है निंदित का मतलब वात पितज पित्त कफज वात कफज तो ये सारी कैसी मानी जाती है निंदित मानी जाती है अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसकी संप्राकृति होती है वो कैसी जाती है? मानी जाती है श्रेष्ठ मानी जाती है अर्थात तो जो तीनों दोषों से बनी हुई है नेक्स्ट टॉपिक अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी क्रिया शरीर के थर्ड चैप्टर में ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं कि वात के गुण जिसमें इस हमने इसको श्लोक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी वात के बारे में बात करें तो इसका श्लोक भी है जो हमें क्रिया शरीर में ही हम याद कर लेते हैं रुख शीतो लघु सूक्ष्म चलोत् विशुद्ध खर विपरीत गुण है द्रव्यमार्त संप्राय साम्यति हाँ यही था शायद तो अब हम बात कर लेते हैं रुक्ष बात का जो गुण होता है बात कैसा होता है वायु से आप लगा सकते हैं वायु कैसी होती है लघु होती है शीत ठंडी होती है सूक्ष्म होती है चंचल होती है खर होती है रुक्ष होती है ठीक है तो ये सारे हो गए बात के गुण अब हम बात पित्त के बारे में बात करें तो पित्त को आपको किससे रिलेट करना अग्नि से रिलेट कर लेना तो पित्त कैसा होता है तीक्ष्ण होता है ठीक है अग्नि कैसी होती है तीक्ष्ण होती है उष्ण होती है लघु होती है सर होती है द्रव होती है ठीक है और थोड़ी बहुत कम मात्रा में स्निग्ध भी होते हैं ईषद का अर्थ क्या है यहाँ पे कम मात्रा में ठीक है अब विस्तर का मतलब ऐसी गंध जो एप्रिय हो जो बिल्कुल भी अच्छी ना हो और सर का मतलब बहने वाली अब हम बात कर लेते हैं कफ के बारे में तो कफ के बारे में बात करें तो कफ के गुनों को देखने की कोशिश करते हैं स्निग्ध शीत गुरु मंद सिलेक्शन मृतसन स्थर अर्थात कैसे होते हैं का मतलब मलने पर चिपकने वाला सिलेक्शन का मतलब चिकना तो कफ़ मेनली क्या होता है चिकनापन होता है कफ के अंदर जैसे कि आप तेल को ले लीजिए तेल क्या होता है थोड़ा सा गुरु भी होता है भारी भी होता है मंद भी होता है ठीक है स्निग्ध भी होता है चिपचिपा भी होता है ठीक है स्थिर भी होता है जहाँ पे रुक जाता है मिश्र का मतलब मल्ले पर चिपक भी जाता है सिलेक्शन का मतलब चिकना भी होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं दूस्य याद की तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसके पार्ट टू के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें आज के लिए इतना ही अगर आपको फिर भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें ठीक है धन्यवाद